बुलंदशहर में सोमवार को पशु कटान को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बुलंदशहर में गोवंश मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने सड़कों पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद आक्रोशित लोगों की ओर से चिंगारवटी चौराहे पर हंगामा शुरू कर दिया गया। हंगामे की कड़ी में आक्रोशित लोगों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। लोगों की उग्रता के विरुद्ध जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया तो फायरिंग के दौरान कोतवाली प्रभारी सायना सुबोध कुमार सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के चिंगारवटी इलाके की है, जहां घटनाक्रम सामने आने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि मामले में प्रभारी की मौत होने के साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इसी के साथ अराजक तत्वों के इस कृत्य के बाद एक ग्रामीण को भी गोली लगने की सूचना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए IG जोन मेरठ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। न्यूज टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।